हेलो गाइस, वेलकम टू एम जी। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो गाइस भाई की शादी के पहले का ही है। मम्मी पापा कार्ड देने आए थे और हमारे में कहते हैं कि सिंदूर जो चढ़ा जाता है ना, वो सिंदूर लेने आए थे मुंबई में। ऐसा है कि मुंबा देवी के यहाँ का सिंदूर बहुत अच्छा रहता है और वहाँ का मान्यता है कि मुंबा देवी आशीर्वाद रहता है। तो मुंबा देवी से लोग सिंदूर लेने आए थे। तो मैं बहुत लेट था, मैं एंजल को लेकर नहीं जा रही थी क्योंकि ये लोग को मुंबा देवी निकलने में 1:30 बज गया था और शाम का 6 बजे का 6:30 का फ्लाइंग रानी का भी था टिकट। तो फिर मैंने कहा कितना एंजल परेशान हो जाएगी, इसको लेके नहीं जाते, जल्दी जल्दी सब करवा के हम लोग निकल जाएंगे। तो गाइस ये बांद्रा लिंक है, यहाँ से शॉर्टकट में बहुत जल्दी पहुँचा जाता है और यहाँ पर सिर्फ 4-व्हीलर ही अलाउड है, वरना नहीं, वरना पूरा घूम के जाना पड़ता है। बट यहाँ से जो 1 घंटा है वो यहाँ से आधा घंटा हो जाता है, बहुत शॉर्टकट में यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए पहले टिकट जैसे लगता है ना ट्रेन के लिए, वैसे यहाँ पर भी लगता है 1 वे और 2 वे, यानी वापस जाके आना हो। लेकिन हम लोग ने ओला किया था तो हम लोग का 1 वे ही था क्योंकि आते समय हम लोग मम्मी के लोग के साथ ही ट्रेन में बैठ के अंधेरे उतर जाने वाले थे। यहाँ से सीन लेकिन बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग सीन एंजॉय कीजिए, मैं आप लोग से आगे मिलती हूँ। तो हम लोग ये पहुंच गए थे और पहुँचे वहाँ पे, बाद में बहुत ट्रैफिक था मुंबा देवी। तो ये देखिए ट्रैफिक कितना लगा हुआ है और एकदम अंदर तक गाड़ी नहीं जाती है, एकदम गेट तक वहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा देर दूर जहाँ पे वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, फिर वहाँ पे गाड़ी रोक के हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे यानी चल के सब लोग घर आ गए। ये यहाँ से यानी चालू है मुड़ के थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे मुंबा देवी है। तो ये यहाँ पे भी अंदर देखो गाड़ी कैसे आएगी, इतनी पब्लिक और इतना सब सामान वामान सब बाहर दुकान है शॉप्स, तो यहाँ तक कैसे आएगा गाड़ी। इसलिए हम लोग गाड़ी नाके पे यानी रुक के वहाँ से हम लोग गए। ये मुंबा देवी की एंट्रेंस है यहाँ से, यानी हर जगह की तरह यहाँ पे भी फोन अलाउड नहीं है, बट जहाँ जहाँ अलाउड था वहाँ थोड़ा सामान ले लिया। ये अंदर एंट्री मारने के बाद मुंबा देवी के अंदर का सीन है। मेरे पापा जब छोटे थे तो यहाँ पे आते थे, वो बताते थे कि ऐसा ऐसा सीन था। यहाँ का वाइट बर्फी मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगती है। हम लोग वो सब लिए दर्शन करने के आने के बाद, अंदर तो वीडियो नहीं लिया, बाहर से थोड़ा सा ले लिया। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मुंबई की मुंबा देवी है माँ। वहाँ से फिर पापा थोड़ा सा फोटो वोटो लिए, लेट हो रहा था, हम लोग फटाफट के अब निकलो क्योंकि टाइम हो रहा था गाड़ी का लेट हो जाते, तो फटाफट फिर वहाँ से हम लोग वापस निकले। तो गाइस वहाँ से ये है मुंबई सेंटर, जहाँ पे मैं खुद पहली बार गई हूँ, यानी यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले मुंबई सेंटर मुंबई में इतने साल रही हूँ लेकिन मुंबई सेंट्रल मैंने नहीं देखा। वहाँ से टैक्सी लेके यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, सारी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था कि हम लोग चल के आए, टैक्सी लेके फटक से हम लोग आए और यहाँ पे यानी ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि 5 मिनट बाद ही ट्रेन का जाने का टाइम था। वॉकिंग डिस्टेंस पे ट्रेन छूटने के बाद ही पहुँचे हम लोग। तो मैं खुद यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आई हूँ, अंदर से देखो कितना अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा ना यहाँ पे आके, अंदर से देखो कितना अच्छा ये पूरा बनाया गया है। यहाँ पे सारी ट्रेन के लिए भी वो जगह सब अलग अलग से वो था, जैसे नॉर्मल स्टेशन पे सब कुछ होता वैसा नहीं होता, यहाँ पे एकदम अलग तरीके का ये स्टेशन है। और मैं खुद यहाँ पे पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 5 मिनट में ट्रेन जाने वाली थी, तो हम लोग अपना टिकट के लिए यानी बोलते ना कि हमारे टिकट नहीं थी, हम लोग हमारे अंदर ही तक टिकट के लिए लेने गए थे कृष्णा टिकट। तो हम लोग वेट कर रहे थे वो टिकट लेके आएंगे तो जाएंगे। तो टिकट लेके आने के बाद हम लोग जाए, यहाँ पे देखो गाड़ी लगी हुई है पिन नंबर पे। तो हम लोग ने फिर अपना डब्बा, मम्मी पापा का जो डब्बा में था उनके टिकट, वो डब्बा ढूंढे और उसमें जाके बैठ गए। और बैठ के हमें और कृष्णा भी उसमें बैठ गए कि हाई रोड जाएंगे तो आधा 1 घंटा लग जाएगा और ट्रेन से जाएंगे तो भी आधा 1.5 घंटा लग जाएगा, तो ये ट्रेन हम लोग को 15 मिनट में पहुँचा देगी अंदर स्टेशन। तो हम लोग बैठ गए कि इसमें बैठ के पहुँच जाएंगे और फिर आगे आपको। ये फिर शाम का सीन है कि आर आर एन के स्कूल में एनुअल डे था तो हम लोग गए थे,
तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो लिया। तो हम लोग उस तरह से मैं एंजल या हम लोग सब मज़े कर रहे थे, और बच्चे लोग अपना पीछे ड्रेसअप कर रहे थे। वो लोग ने भी पार्ट लिया था, वो लोग का वीडियो लेने वाली थी, बट वो लोग पीछे पीछे थे, पूरा क्लियर वीडियो में आ नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग को बहुत मुश्किल से इतनी सीट मिली है। पूरी सीट भी सब पहले से फुल हो गई थी। तो वहाँ पे सब स्टार्ट हो रहा था और ये चीफ गेस्ट आ रहे थे स्कूल में। देखो कैसे पूरे आ रहे हैं सब लोग के बाद इसके बाद। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। उसके बाद सबका बच्चों का डांस हुआ, परफॉर्मेंस हमारे घर के भी दोनों बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। तो उसके बाद हम लोग निकले। निकलते समय काफ़ी रात हो गई थी, वहाँ पर बाहर फूल लगे थे जो मैं हम लोग ने छूटा।